उसे देख के मेरे टीचर क्या कहते पता है? लेजेंड। स्वागत है आपका, मैं आपका दोस्त विश्व। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिन देख रहे हो, आज का दिन सुहाना है। आज कहीं घूमने जाते तो मज़ा ही आ जाता। तो भाई आज मैं सुबह से हो गया क्या ही खा रहा था, काफ़ी दिनों के बाद मीठा खा रहा हूँ। ये वाली नामाज तक पता नहीं चला क्या है, मम्मी लाती है खाता हूँ। नाम से क्या करना है यार, खाने से मतलब है। और ये गलती मैं हमेशा करता हूँ, थाली को यहाँ रखूँगा जहाँ से हवा आएगी और थाली सीधा नीचे की गिरेगी। ये देख रहे हो बारिश हो रही है अभी, कसम से बता रहा हूँ। ये सिलचर का जो मौसम है ना, अभी एक बेवफा प्यार जैसी हो गई है। कुछ कुछ ये इंग्लैंड जैसा हो गया है, लेकिन जो इंग्लैंड में धूप तो नहीं है, इसमें तो अभी बारिश दे रही है, अभी अभी धूप निकल जाएगी। अभी अभी बदन को शांति मिल रही थी, अभी अभी बदन जलने लगेगा। ये देख रहे हो, इसे इंग्लिश में कहते हैं कहीं तो भी, और हम विष्णुप्रिया कहते हैं इसे वाटर मिमोसा। बेटा सही सुने हो, आप इसे पानी में भिगो के रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, तब ये ताज़ा रहती है। ये छाता मैंने कहाँ रख दिया भाई साहब? तो बताया अभी मैंने क्या पहनी है, ये टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट पहनी है फॉर द सेक ऑफ स्टाइल। और इस हालत में मम्मी देखती पता है मुझे क्या कहती, इस गर्मी में इतने कपड़े पहने कुछ कम नहीं हो गया, एक चादर भी ओढ़ ले। ये देख रहे हो भाई, 1000 रुपये का नोट नहीं है, चार्जर घुसाई अंदर, सी टाइप चार्जर मिलती नहीं है हर जगह। ऐसे आवाज़ें होती है ना, इससे मिर्गी के पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है। मैं दोस्त हुआ करता था, एक दिन तो बेहोशी हो गया था। ये बारिश के साथ काफ़ी यादें हैं, जब बच्चा था तब फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल तो बस भाई नाम का था, अपन तो रग्बी खेलते थे। पूरे मैच में यही दिमाग लगाता था कि कैसे टांगों पे जाके मारूं। हाँ भाई सही है, जाओ ले जाओ। तो भाई एक किस्सा याद आ गया, बहुत पहले की बात है। एक दिन मैं अपने टीचर के साथ रामनगर जा रहा था, बंदा साइकिल चला रहा था, एक हाथ पे साइकिल थी और दूसरा हाथ पे बम्बू था, और बांस उससे 3 गुना ज़्यादा लंबा था। उसे देख के मेरे टीचर क्या कहते पता है? लेजेंड। मेरी शक्ल थोड़ी सी हेलबॉय जैसी नहीं लग रही है? बस 2 सिंग की कमी थी, वैसे बाल भी कुछ सिंग से कम नहीं है। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तो थोड़ा छत पे बैठा हुआ अभी। रूम में पूरा अंधेरा है, ये इन्वर्टर से चल रही है। तो भाई इतने देर से ये लग रहा था कि लाइट नहीं है, अब जाके पता चल रहा है कि रिचार्ज ख़त्म हो गए हैं। बहुत पहले हमारे साथ भी हुआ था, बिल नहीं भरे थे काफ़ी महीनों तक, उसके बाद आके तार काट दिए। बिल भरते भरते 5 मिनट के अंदर लाइट उपस्थित, और ये अपना सुबह में एकदम लाल पीला हो रहा था, पूरे दिन बैठा था कब अपलोड करेगा बोल के। फ्रस्ट्रेशन पूरा चेहरे से नज़र आ रही है, क्या करेगा भाई, रिचार्ज नहीं भरोगे तो यही होगा। आसमानों पर उड़ते परिंदों का ठिकाना ज़मीन पर है, इंसान में ही भगवान रहता है, पर ये तेरे यकीन पर है। तो भाई छत पे आके बैठे हैं, आसपास अंधेरा है और बस मेंढक की आवाज़ आ रही है, टर टर टर। छत से मेरे को गुवाहाटी याद आती है, रात के वक्त छतों पे बैठ के एक हाथ में मूंगफली होती थी, दूसरे हाथ में चिप्स होती थी। एक दिन तो भाई चिप्स खाते खाते वहीं पे सो गया था, उस दिन रात को मच्छरों ने बहुत काटा यार, एकदम हाथ वात फूल गए। घना अंधेरा है भाई साहब। अभी अभी एक बंदा बाइक लेके गली के अंदर घुस रहा था, कीचड़ थी तो गिर गई वहाँ पे, उठाने गया तो भाई पता चला बंदा तो पलटू पी के एकदम टाइट है। अगर पीने वाना नहीं आता है तो एक दो पैक मार के डिपट लो, नहीं पर बोतल मारना है। का दिन हुआ ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।